वहीं बीजेपी से ऑफर मिलने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत के बाद ही ये नोटिस जारी किया है। आप नेता आतिशी ने नोटिस पर सवाल उठाए हैं, कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी का संगठन बनकर रह गया है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी आतिशी को नोटिस कर दिया। आप नेता आतिशी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए थे। आतिशी ने कहा था कि बीजेपी से उनको ऑफर आया है, अगर बीजेपी में शामिल नहीं होगे तो गिरफ्तारी होगी, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी। अब आप नेता आतिशी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे नोटिस भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी की 4 अप्रैल की एक शिकायत पर आधारित है। तो 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है, 5 अप्रैल को 11:15 पर सभी न्यूज चैनल्स पर फ्लैश होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस भेजा। आप नेता आतिशी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का एक संगठन बता दिया। नोटिस को लेकर आतिशी ने कहा कि मौजूदा समय में लोकसभा चुनाव होने हैं, आचार संहिता लगने के बाद भी एक्टिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कांग्रेस के बैंक अकाउंट सील कर दिए गए, केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक ऑपोजिशन के प्रमुख चेहरे, देश की 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार करती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ईडी को नोटिस भेजती है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश की एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सील करती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है? आप नेता आतिशी ने कहा कि देश के लिए चिंता का विषय है, जिसकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव करवाना, निष्पक्ष होना है, वो निष्पक्ष नजर नहीं आ रहा। आतिशी ने चुनाव आयोग से अपील की कि बीजेपी और केंद्र सरकार के आगे चुनाव आयोग नतमस्तक ना हो। तो आज ये देश के लिए चिंता का विषय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी है नॉन पार्टिजन होना, जिसकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, जिसकी जिम्मेदारी है लेवल प्लेइंग फील्ड देना, आज उस इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ रहा है। बहरहाल बीजेपी से ऑफर वाले बयान पर आपकी नेता आतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया और सोमवार तक जवाब मांगा है। बीजेपी ने आप नेता आतिशी के बयान की चुनाव आयोग में शिकायत की थी। देवेश कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।